देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना के लिए बीजेपी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जैसलमेर दौरे के दौरान शहर के मंदिरों में हवन पूजा आदि कर रहे हैं। सतीश पूनिया ने पंजाब में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर कांग्रेस पर दोष मढ़ते हुए मोदी के लिए प्रार्थना कर महामृत्युंजय का जाप किया। इसी के साथ उन्होंने भारत पाक सीमा पर स्थित सैनिकों की देवी तन्नोट माता के मंदिर के दर्शन करके प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की। नमस्कार, मैं इस समय एकदम सीमा पर राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा पर खड़ा हूं, जहां मां तनोट राय माता का ये प्रसिद्ध देवस्थान आप देख सकते हैं। 1965 और 1971 दो ऐसे युद्ध हुए जिन युद्ध में पाकिस्तान ने बदनीयती से इस राजस्थान की सीमा पर हिंदुस्तान पर हमला किया, लेकिन माता की शक्ति थी, आद्य शक्ति थी, जिसके कारण वो गोले फटे नहीं। दुश्मन हार कर परास्त होकर ये वही समय था जब पाकिस्तान की फौजों को घुटने टेकने पड़े। जी हां, जय हिंद की सेना की वो ताकत और माता का आशीर्वाद, मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं आज आया हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु के लिए, पूरे पार्टी के परिवार के और तमाम लोग आम नागरिक भी हैं, इस सीमा पर खड़ा हूं इस शुभकामना के लिए, मंगल कामना के लिए कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने देश का स्वाभिमान बढ़ाया, श्री राम मंदिर से लेकर 370 को खत्म करने तक देश के बुनियादी विकास को उन्होंने ऊंचाइयां दी, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन पर दुश्मन की काली निगाह होगी लेकिन माता का आशीर्वाद, भगवान शिव का आशीर्वाद साक्षात उन पर है, और इसलिए वो सारी साजिशें फेल हुई, भले उसमें पाकिस्तान का हाथ होगा या दुनिया की किसी भी ताकत का हाथ होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी लाखों करोड़ लोगों की दुआओं के बूते पर सकुशल लौटे। हो सकता है कोई बड़ा षड्यंत्र होगा, बड़ी सियासत होगी, लेकिन उस सियासत पर लोगों की दुआएं भारी थी, उस सियासत पर मां तनोट रानी का आशीर्वाद भारी था, और इसलिए हम सब का सौभाग्य है कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री लंबे समय तक देश को इसी तरीके से ताकत देते रहें, गौरव देते रहें। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज टीवी इंडिया पर।